जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है, लेकिन हाँ जो चीज़ आसान नहीं होता वो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इट्स 9:27 PM। वी हैव कवर्ड नियरली 600 किलोमीटर्स। यहाँ से बैंगलोर कितना? 450 किलोमीटर है। ये कौन सा जगह है? धारवाड़। धारवाड़ कौन सा स्टेट आ गया? ये कर्नाटक आ गया। सो वी हैव ऑलरेडी एंटर द कर्नाटक। अभी 9:30 ही बज रहा है। कर्नाटक स्टेट का अंदर 100 किलोमीटर आ गया। अच्छा, 100 किलोमीटर अंदर आ गया, क्या बात है। सो कर्नाटक एंटर किए हुए 100 किलोमीटर हो गया। एंड मैं एक्चुअली पेट्रोल मेजर करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया, अंदर में थोड़ी डर भी थी कि कहीं ये ना हो जाए। सो धारवाड़ में है, 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, क्लाउडी है, हमारा पेट्रोल जो है वो फुल हो रहा है। ये हमारे भाई साहब, सर आपका नाम? रवीन भाई। हमारे पेट्रोल पंका आए, राम पिया के दर्शन पाए, तो अब समझ में आया कि ये सागर लंगा वो क्यों लिखे अपने गाने और दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान। अभी समय हो रहा है 12:53 AM। 270 किलोमीटर दूर है हम बैंगलोर से। नाउ द थिंग इज़ कि 1 बजे अब मेरे सोने का रूटीन हो गया, मुझे बहुत बुरी तरीके से नींद आ रही है। मैं सोच रहा हूँ 15-20 मिनट का जो है पावर नैप ले लेता हूँ, कम से कम इतना सा तो करता हूँ। और सुसु भी लग गया है श्रेष्ठा को बड़ी ज़ोर से, तो श्रेष्ठा भी सुसु कर लेंगे, हम भी कर लेते हैं। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ तो हम लोग बेसिकली सुसु ब्रेक ले रहे हैं। हमारा वॉशरूम तो हो गया, इधर 2 वॉशरूम है और दोनों वॉशरूम है, एक में मम्मी और एक में दीदी गई हैं। इट्स यू नो, दो दो लेडीज़ को लेकर 1 बजे रात में इस तरीके से ट्रैवल करना ये काफ़ी औघड़ वाला काम होता है। ये हम तो भोलेनाथ के भक्त हैं और पागल हैं, थोड़े काफ़ी पागलपन करते हैं, लेकिन दिस इज़ आइडियली नॉट सजेस्टेबल एंड आई विल नॉट सजेस्ट दिस टू एनीवन। प्लीज़ डोंट ट्राई टू इमिटेट मी और फॉलो मी कि आप लोग भी यू नो ऐसे ही 1000 किलोमीटर के राइड पर ऐसे नॉन स्टॉप निकल जाइए। जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है, लेकिन हाँ जो चीज़ आसान नहीं होता वो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और इनसे मिलिए क्या बोलती है, क्या बोलती है? वॉशरूम में पानी नहीं था, बहुत गंदा था, बहुत गंदा था। गर्मी लग रहा है, ठंडी। सो समय हो रहा है 1:13 AM। मुझे लगा कि मैं एक पावर नैप ले लूं, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया क्योंकि नहीं हो पाया। सो वी आर इन दवानागिरी। वॉट इज दैट? दवानागिरी। हम लोग अभी हेबाली टोल प्लाजा पे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो आई थिंक दिस इज यू नो कुछ बड़ा वाला टोल है। काफ़ी वक्त लग रहा है तो बस 1:10 AM हो रहा है अभी। 260 किलोमीटर और है, 4 घंटा 31 मिनट लगेगा। अब हमारा शिव तांडव स्टार्ट हो गया है तो बस अब निकल ही लेना। उनसे पूछ लेना कौन सी जगह है, हम लोग जो प्रोनाउंस नहीं कर पाए। हाँ, कौन सा जगह है सर ये? हेब्बल।
कुछ वो बोले हिंदी से, कुछ देना है सर, कितना देना है? हेब्बल, सो वी आर इन हेब्बल। ये लो सर। आपने कभी किसी को ऐसे देखा है? यहाँ से बैंगलोर तक भाई, यहाँ से बैंगलोर तक में कितने टॉल होंगे? और पांच और टॉल है, कितने रुपए का होगा टोटल? देखा है कभी किसी को ऐसे पैसे रखते हुए? देख लीजिए, ये हमारे 500 तक में हो जाएगा ना पक्का। और ये एक ही बात सबसे पूछता आ रहा है पिछले चार टोल पे, ये एक ही बात है लड़का। हमने 2000 ही निकाला है अपने एटीएम से, और एक्चुअली वो फूड कोर्ट के जगह पे जो है, कोर्ट कोर्ट क्या हो गया तुम लोग, फूड कोर्ट फूड कोर्ट फूड कोर्ट फूड कोर्ट के जगह पे, मतलब कुछ कैश खर्च हो गया। हर जगह एटीएम और ये पेटीएम और ये सब नहीं चलता, तो अब हमारे पास पैसे बचे हैं, बट आई थिंक हो जाएगा। तो चलो लेट्स। तो जी हाँ, हम पहुंच गए हैं बैंगलोर, और ये जो आपने क्लिप देखा वो था 5 बजे सुबह का। तो यस, आई रीच्ड बैंगलोर बाय 5 AM ऑन 27th of October। दिस इज द नेक्स्ट डे, 28th of October, मंडे। इट इज 2019, इट इज 4:41 PM हो रहा है, एंड द टेम्परेचर इज 26 degrees Celsius, it's partially cloudy. So why I didn't vlog on 27th yesterday, क्योंकि मैं 5 बजे सुबह पहुँचा। Obviously I was bit tired, क्योंकि मेरे अभी body का cycle बन गया है रात में 12-1 बजे के आसपास सो जाने का, लेकिन मैंने 4-5 घंटे stretch करके 5 बजे तक पहुँचना ही था मुझे। Google map जो है 5:45 का समय बता रहा था, लेकिन हम लोग जो है 4:50 तक ही पहुंच गए। सो गूगल मैप को नियरली एक घंटे पहले, गूगल मैप से भी पहले पहुंच गए। दैट वाज ओनली बिकॉज कि मम्मी का कार्तिक स्नान था, तो मुझे उनको कैसे भी करके 5 बजे तक पहुंचाना ही था, 5:45 तक, क्योंकि सनराइज़ जो है यहाँ पर नियरली 5:45 तक हो जाता है। और रोड मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा था, तो 120-140 ही गाड़ी चल रहा था, सुपर स्मूथ द रोड वॉज, और मम्मी और दीदी तो सो रही थी मस्त। तो यस, 4:50 को पहुंचा, मैं गाड़ी का चाबी जीजाजी को थमाया। मुझे सुप्रीमली जो है मुझे नींद आ रही थी, और सबसे ज़्यादा सुसु लगी हुई थी, तो मैं सुसु गया और उसके बाद 5 बजे तक सो गया। फिर मैं सिर्फ 5 घंटे का ही नींद ले पाया, 10:27 यानी कल ही उठ गया मैं, मतलब सेम डे 27th को ही, उस दिन ज़्यादा मैं देर तक मैं नहीं सो पाया, तो इसलिए मैं कल व्लॉग को एंड नहीं किया। आज जो है मैं अच्छे से सोया, 12 बजे रात से लेकर 10 बजे तक, मतलब आज मैं 10 घंटे का नींद पूरा किया, तो आज मैं फ्रेश हूँ, इसलिए व्लॉग वगैरह सब लाइव वगैरह कर रहा हूँ। एंड यहाँ बैंगलोर का वेदर इज सुप्रीमली कूल। दिवाली वगैरह सेलिब्रेट हो गया कल, आज हमारी बड़ी दीदी का बर्थडे है। तो आई होप आपको ये रोड ट्रिप जो है अच्छा लगा, और फिर हम लोग जो है रामेश्वरम भी यहाँ से निकल रहे हैं, रामेश्वरम कन्याकुमारी मदुरई, तो बने रहिए। सो यस, दैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग गाइस। तब तक के लिए कीप स्प्रेडिंग लव एंड हैप्पीनेस, इग्नोर नेगेटिविटी, एक्सेप्ट पॉजिटिविटी, बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ, हैव अ ड्रीम, कीप ऑन चेसिंग इट, कीप ऑन क्वेश्चनिंग योरसेल्फ के जो कुछ भी आपको आपके जिंदगी में चाहिए, कि आप उस चीज को सच में पाने के लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं, यस या नो, अगर नहीं कर रहे तो कीजिए, और अगर आप कर रहे हैं तो समझ जाए आप हर रोज सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक भी आप खुद को देखना चाह रहे हैं, कीप ऑन क्वेश्चनिंग दिस थिंग, कि क्या आप उस जगह तक पहुंचने के लिए सच में डिजर्विंग है आज, यस या नो, अगर नहीं है तो वर्क हार्ड लाइक एंड टर्न इट टू दैट डिजर्विंग पर्सन, ट्रस्ट मी द डे यू विल बी टर्निंग अ डिजर्विंग पर्सन, God will truly give you whatever you will be deserving for, क्योंकि ईश्वर हमें भाई देते हैं जो हम सच में डिजर्विंग है, जिसके हम सच में डिजर्विंग रहते हैं, ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम, क्योंकि उनका नापना अद्भुत है। तो बस हमें खुद को बेहतर बनाना है, खुशियाँ बांटना है, प्यार बांटना है, और जम के मेहनत करना है, बुरे सोच वाले लोगों से दूरी बनाइए,
खुद को इवॉल्व कीजिए एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड इन द नेक्स्ट एक्सप्रेशन डेलिया लाइफ। कल जो है मेरी तबीयत भी थोड़ी थकी थकी थी एंड अभी भी मुझे थोड़ी थोड़ी सर्दी है, लेकिन टुडे आई एम फीलिंग बिट बेटर। टी इसमें जिंजर yes. नहीं आदि तो दो दिन से जो है बड़ी दी हमारे लिए मस्त जिंजर टी बना रही है एंड आई एम एंजॉयिंग इट। सो यो हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, गरम ही है। हम लोग हर जगह तो